और ये बच्ची जो है जब यहाँ से जाकर ये जिसकी हालत है, ये जो पहले वाली हालत आप देख रहे हैं, इस हालत में ये बच्ची थी और यहाँ इसके चाहने वाले आए, यहाँ जाकर उन्होंने फोन पे इसको दम कराया। ये आप देखेंगे, ये फोन पे दम कराया, फोन पे जो ही दम कराया, ये अल्टरनेटर की इसकी है, जो ही सर पे हाथ रखा, ये ताजदारे मदीना का कर्म हुआ कि अल्टरनेटर उतर गया और बच्ची अपने सांसें लेती हुई आज दरबारे अली अपलावड़ा शिवान पहुंची। ये होती है खत्म नबूवत के वफादारों पर, ये होती है बातल से दबने वाले। हे आसमान ही हम सौ बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा। ये देखें आज बच्ची वो जो सांसें, ये आपने वीडियो में देखा होगा, इस हालत में थी, डॉक्टर ने इसे लालाज करार दिया था, लेकिन आज इस पहाड़ के अंदर जहाँ ऑक्सीजन की अक्सर कमी होती है, यहाँ आई है, आज अपने सांसें ले रही है। अगर किसी शैतान को किसी की सांसें लेने से तकलीफ होए तो हजार बार होए, हम हजार बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अरब बार यही आवाज पकारेंगे कि अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा लिख दी है। दिलो दिमाग में आप देखे वो बच्ची अब खुद सांसें ले रही है, वो एक दूसरी तरफ वेंटिलेटर पे है, इधर अपनी सांसें ले रही है। आज अपने दिलो यकीन करें, अब इनसे पूछें, इनकी आंखों के अंदर जब डॉक्टर ने ये कहा कि आप वेंटिलेटर पे है, अब इसकी सांसें शायद ठीक ना हो, अगर भूख वहां गुजरने वाला से यहां फोन के जरिए इसको दम हो जाए तो वेंटिलेटर उतर सकता है, तो सूफिया मसफा हजरत किबला आलम पीर मसज्जफ अली सरकार की दहलीज भी आए वो कैसे खाली जा सकती।